बड़हरा थाना क्षेत्र के निकराम टोला पंचायत अंतर्गत सालिग्राम सिंह के टोला में देर रात एक जन्मदिन समारोह में बज रहे डीजे पर हुए हर्ष फायरिंग में एक युवती गोली लगने से घायल हो गई। घायल युवती धनजी यादव की पुत्री उमा भारती बताई जा रही है, जो घटना के वक्त अपने पड़ोसी के घर में एक जन्मदिन समारोह में शरीक होने गई थी। जन्मदिन में डीजे पर गाना बज रहा था तथा कुछ लोग डांस कर रहे थे, उसी वक्त किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी जिससे बीए की छात्रा उमा भारती घायल हो गई, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में चिकित्सकों ने उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। हालांकि पड़ारा क्षेत्रों में अपराधी घटना व गोलीबारी से इलाके में दहशत फैला हुआ है। अरे शिखा कहाँ रह गई? मारा नहीं होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा, तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वही जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा, अब तू कहाँ चली? और कहाँ? ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय।